नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे काराकाट लोकसभा सीट की। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा इस सीट से उम्मीदवार हैं, पहले भी लड़ते रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो महाबली सिंह से हार गए थे। आपको बता दें कि परसों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही बीजेपी के द्वारा आसनसोल सीट पर उम्मीदवार की घोषणा की गई, उसके तुरंत बाद पवन सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी कि वो काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बनेंगे और वहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद से ही आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए चिंता की लकीरें मजबूत होते चली गई। हालांकि वो लगातार ये कह रहे हैं, जो भी बयान दिए हैं उनका यही कहना है कि इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला, असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इतना डर है उपेंद्र कुशवाहा को कि पवन सिंह के आने के बाद से राजपूत वोटरों में बिखराव होगा, और ऐसे में जिस मजबूती के साथ वो काराकाट लड़ना चाहते हैं उस मजबूती के साथ नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन बता दें आपको हम कि अभी खबरें जो चल रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है, उसके मुताबिक पवन सिंह को आरजेडी की तरफ से ऑफर मिला है कि आप महागठबंधन में चले आएँ और आपको काराकाट सीट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। काराकाट सीट जो है वो महागठबंधन की तरफ से पवन सिंह को ही दिया जा सकता है अगर वो चाहें तो। और लेफ्ट को राजाराम सिंह वहाँ से उम्मीदवार हैं लेफ्ट की तरफ से महागठबंधन के, लेफ्ट को सिवान सीट देकर एडजस्ट किया जा सकता है। आपको बता दें कि राजद के द्वारा 23 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना है और 22 सीटों का अनाउंसमेंट हो चुका है उम्मीदवारों का। एक सीट केवल सिवान पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं हो पाया है, और जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक ये पवन सिंह को मनाने की कोशिश की जा रही है कि आप महागठबंधन की तरफ से काराकाट में उम्मीदवार बन जाएं और हम लेफ्ट को वो सीट विड्रॉ करके सिवान सीट दे देंगे, यानी कि सिवान सीट जो है वो लेफ्ट के खाते में चला जाएगा। और वहाँ पर एक विवाद की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पर सिवान सीट पर राजद जो है खुद टेंशन में है कि किसे उम्मीदवार बनाए किसे न बनाए। इसका सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा जब लेफ्ट सीट के लेफ्ट के पास जो है ये सीट चला जाएगा। और लेफ्ट बता दे आपको भाकपा माले जो है बहुत पहले से सिवान सीट की मांग करते आया है, ऐसे में अगर उन्हें सिवान सीट मिलेगा तो ज़्यादा वो इसको लेकर विवाद नहीं करेंगे, बल्कि एक तरह से खुशी होंगे क्योंकि काराकाट से ज़्यादा मजबूत उम्मीदवारी जो है वो लेफ्ट का वोटर जो है वो सिवान लोकसभा सीट पे हैं। तो देखिए पवन सिंह मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और आपको बता दें कि पवन सिंह के बारे में ये कहा जा रहा है, जो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने साजिश करके उपेंद्र कुशवाहा को कमज़ोर करने की कोशिश की है और जानबूझकर उन्हें काराकाट सीट से उतारा गया है, जबकि पवन सिंह का गृह क्षेत्र जिला जो है वो आरा है और वो चाहते तो वहाँ भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन वहाँ से भी राजपूत कैंडिडेट हैं और बीजेपी का सीट है। बक्सर से लड़ सकते थे लेकिन बक्सर बीजेपी का सीट है। बलिया से लड़ सकते थे लेकिन बलिया से ही बीजेपी ने अपना राजपूत कैंडिडेट को घोषित कर दिया गया है। औरंगाबाद से, वहाँ भी राजपूत कैंडिडेट है। और ऐसे में काराकाट सीट ही पवन सिंह को सही लगा या बीजेपी ने जानबूझकर वहाँ भेजा, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट बीजेपी नहीं लड़ रही है, उनके सहयोगी लड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो बता दें आपको हम कि राजद की तरफ से डोरे डालने शुरू कर दिए गए हैं पवन सिंह पर कि आप महागठबंधन को ज्वाइन करें, आपको काराकाट सीट ही दिया जाएगा और लेफ्ट को भाकपा माले को सिवान सीट ऑफर कर दिया जाएगा। तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है, कितनी सच्चाई है ये समय बताएगा। लेकिन पवन सिंह जो हैं वो अपनी दावेदारी से टस से मस होने को तैयार नहीं है। हालांकि खबरें निकल के आ रही हैं कि पवन सिंह को मनाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा शुरू कर दी गई है। अब देखिए पवन सिंह मानते हैं या नहीं मानते हैं, या फिर बीजेपी का ऑफर स्वीकार करते हैं या आरजेडी का ऑफर स्वीकार करते हैं, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले उन्हें 2 सीटों की जद दरकार थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें एकमात्र सीट दिया काराकाट, और उस पर भी अब पवन सिंह का साया मंडराने लगा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।